झारखंड गठन के बाद भी झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसे आज तक एड्रेस नहीं किया गया। यही वजह है कि उन समस्याओं की मौजूदगी हमारे समाज में आज भी नज़र आती है। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार है, लिहाजा तमाम आदिवासी संगठन इस बात की उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी बुनियादी समस्याओं को हल करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक जिन्होंने झारखंड के पुराने विधानसभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बातें रखी हैं, आदिवासियों की मूलभूत समस्याओं को उन्हें इंगित किया है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे उन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, इराडिकेशन किया जा सकता है। सर, आपके परिचय के साथ शुरू करते हैं, अपना नाम पता बता दीजिए और कहाँ से आए। मंगल सिंह बबुंगा, पूर्व विधायक जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम। अभी मैंने आपको सुना जिस तरह आपने लोबिंदा के कार्यक्रम में कहा है कि जो आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उसे सिर्फ इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है, हमको जिला जिला जाना होगा और बुनियादी समस्याओं को एड्रेस करना होगा। क्या 20 वर्षों में, करीबन दो दशकों के झारखंड गठन के बाद भी उन समस्याओं का निदान नहीं होना कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। ये पूरी तरह से आज की सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड राज्य का गठन आखिर किस उद्देश्य से हुआ है? इस देश के अंदर में परिकल्पना था कि झारखंडियों के लिए झारखंड राज्य ऐसा राज्य बने जहां झारखंडियों का हक और अधिकार मिले, स्वेच्छता स्वशासन का वो जनवादी अधिकार मिले जो जनवादी अधिकार दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में मिला हुआ है। हम उसी के तहत ही झारखंड राज्य का गठन किए हैं। आज तक झारखंडियों की जो आकांक्षाएँ हैं यहाँ का नियोजन में, यहाँ एक स्थानीय नीति अभी तक बन नहीं पाया। जिस स्थानीयता की नीति पर ये पूरी तरह से झारखंड जल भी उठाता, आज तक 22 वर्षों में स्थानीय नीति नहीं बना पाया ये लोगों ने। आज जमीन हर रोज लूटा जा रहा है। जिस CNT SPT एक्ट की सख्ती से लागू करने की बात कर रहे हैं हम लोग, आज तक जो है अपनी भी सरकार और चाहे गैर की सरकार हो उसमें भी ये लूट निरंतर जारी है और आज तो बेधड़क और भी जारी है। तो हमारा ये एक मांग है कि हम जिस उद्देश्य से राज्य का गठन किए थे, जो अबुआ दिसुम अबुआ राज, बिरसा मुंडा को आदर्श मान करके, सिद्धू कानू चांद भैरव को आदर्श मान करके, वीर बुद्ध भगत लोगों को आदर्श मान करके, या पुराने झारखंड आंदोलनकारी मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का सपनों का झारखंड होगा यही सोचा था हम लोगों ने, लेकिन सपनों का झारखंड नहीं बन पाया। वर्तमान में जो सरकार, जो पार्टी लीड कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो खुद को जल जंगल ज़मीन वाली पार्टी कहती है, आंदोलन की उपज वाली पार्टी कहती है, आदिवासी और आदिवासियत वाली पार्टी कहती है, वो पार्टी भी अगर इन समस्याओं को दरकिनार करती है, सुनती नहीं है, चाहे राजनीतिक बाध्यता ही क्यों ना हो, तो क्या ये पार्टी ज़्यादा जिम्मेदार है जो कि आपकी अपनी पार्टी है, अपने माटी की पार्टी है? ये हम पूरी तरह से जिम्मेदार इसलिए भी मानते हैं कि आपने पूरी तरह से हर जिला में जा करके आपने रघुवर दास के बनाए स्थानीय नीति को रद्द करते हुए 1932 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की बात आपने घोषणा किया था। आपने CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू करने की बात आपने बात किया है। हम स्मरण कराना चाहते हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति जो जिम्मेदारी से बात कहा था, आज बात बोले कि ये स्थानीय नीति 1932 का होगा तो कोर्ट में खारिज हो जाएगा। तो आप जो है लीगल एडवाइस, जब आप लीगल वाले व्यक्ति थे तो पहले आपको सोचना चाहिए था कि हम एजेंडा में क्यों लाएँ। तो मेरा बोलने का अर्थ है कि सभी जगह एक तो हम तो चाहते हैं कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट को आधार मानते हुए जिनका अभिलेख में जो पूर्वजों के नाम उल्लेखित है उनको स्थानीयता के आधार पर वही स्थानीय नीति बनना चाहिए और इसके इस राज्य के लोगों को उस आधार पर नियोजन नीति भी तय होना चाहिए। अपने अपने भाषण में क्रम में कहा है कि जो झारखंड की जो मूल पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसमें भी बाहरी लोगों का समावेश हो गया है, वर्चस्व हो गया है और वो भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो गए हैं, तो उन लोगों की वजह से भी आपके उद्देश्य को लक्षित करने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, वो बाहरी लोग आ गए हैं पार्टी में, क्या ये सही है? एक्चुअल में अगर जो सामने भी है तो ये लोग एक मुखौटा के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पीछे जो है बाहरी तत्व जो ना हावी है, ये
जो आदर्श के रूप में जो है ना विराजमान है। इसका नतीजा है कि लोबी नेमरम ने जब सवाल खड़ा करने की बात बोले आस्थानीय नीति पर, उनको उससे बात करने से रोका गया। आखिर आप देख ही रहे हैं इस राज्य को कौन लूट रहा है, इस राज्य के लुटेरे आखिर कौन लोग हैं। आप ईडी का जो चीज़ का सामने एक प्रमाण दिख रहा है और पूरी तरह से कोई किसी लोगों के नज़र में छिपा भी नहीं है मामला। मामला बिल्कुल ओपन है कि ये राज्य की जो आपने बात बोला पहले रांची में आपने नहीं देखे, हमने 95 में ऐसा रांची नहीं देखे थे। ये 95 में जो चीज़ का जो दशा है, जो हालात बना है, ये बारी घुसपैठिए का नतीजा है कि ये राज्य में आज पूरी तरह से मिनी बिहार बन चुका है, ये तो हम डंके की चोट पर बोल सकते हैं। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है, शह दे रही है, जगह दे रही है? प्रश्रय ही नहीं, इस राज्य को लुटवा रहा है, ये दुर्भाग्य है। आज आपने रघुवर दास तो बालूघाट का नीलामी नहीं कर सका, आज आप बालूघाट की नीलामी अभी तक आपने नहीं कर पाया, आपने टेंडर नहीं करा पाया, तो बताइए आप हमको कि आप बात बोल रहे हैं रोज़ हम विकास कर रहे हैं इस राज्य को, और इस राज्य के अंदर में कहीं भी बालूघाट का टेंडर और नीलामी नहीं हुआ है, जहाँ आधारभूत संरचना बालू जरूरी है, तो आप हम कैसे कह सकते हैं कि वो विकास का है? तो ये ओपन दिख रहा है कि अगर वो इन्हें आप कहीं बन रहा है कोई बिल्डिंग तो बालू की लूट हो रहा है, राजस्व की लूट हो रहा है, तो ये लुटवा रहे हैं आप, ये मेरा बोलना है। अदमा नहीं, ये सरकार लुटवा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व है तो नो डाउट जिम्मेदार है। आपने ये भी कहा कि झारखंड मुक्ति के मोर्चा के अंदर सांप भी है और सपेरे भी हैं, ये कौन है सांप और सपेरा कौन? हमने बात बोले कि सपेरे जो है, हम बोले कि सपेरे निकालने वाले, सांप को बीन बजा करके निकाल करके बाहर फेंकने वाले सपेरे जो है लोबिन बाबू आए हैं। हमारा बात बोलना ये है कि बहुत सारे सांप जो है घुस चुका है, वो सभी लोग जानते हैं कौन सांप है और क्या है। नहीं, हम ये इंगित नहीं है, ऐसे बहुत सारे सांप उसमें जो है ना घुस चुका है। ये मतलब माना जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने उद्देश्यों में नाकाम रही है, क्योंकि उसका भी उद्देश्य झारखंड का सर्वांगीण विकास है। अगर बाहरी लोग आकर के आप कह रहे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं और यहाँ के जो मूलभूत चीज़ों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो झारखंड की सत्ता में चेहरा बनी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो जिम्मेदार होगी इसके लिए। देखिए, बाहरी को भगाने की बात हालांकि हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारा बात ये चीज़ का है, आप जिन उद्देश्य से झारखंड में आपको स्थापित कर गया, आपको सरकार बनाने का अवसर दिया, उन चीज़ को तो जो चीज़ बोला गया है वो पूरा करो। बाहर के लोग आपका थर्ड और फोर्थ ग्रेड का जो है ना नौकरी नहीं छीन रहा है, आप स्थानीय नीति बनाइएगा तब ना यहाँ के लोग का नियोजित होगा। एक्चुअल में जो लोग रह रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, शांति से रहे, झारखंडी संस्कृति झारखंडी परंपरा को फॉलो करे, किसी को कोई ऐसा उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन राजनीति में दखलंदाजी अपने अनुकूल करके और ये झारखंडी लोग वंचित हो जाएगा तो ये बर्दाश्त से बाहर है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि लोबिन हेमरम जो जी हैं, वो जो झमो के जो विधायक भी हैं, ये आखिरी उम्मीद हैं आदिवासियों के हक और हकूक दिलाने के लेकर? हाँ, अब तो ऐसा पूरी तरह से जितना लंबा बरसों का झारखंड अलग राज का आंदोलन जो चला, सरकार बने हुए 22 साल लगभग हो गया है, ऐसी स्थिति में स्थानीय नीति नहीं बनना और कई तरह से ज़मीन की जो लूट हो रही है और जो जनसंख्या का ह्रास हो रहा है झारखंडियों का, हम सिर्फ आदिवासी की बात नहीं कर रहे हैं, जो झारखंडियों का ह्रास हो रहा है, उन परिस्थिति को ही देखते हुए हमने एक बात बोले कि ये करोड़ों झारखंडियों के अंतिम आशा उम्मीद का केंद्र बना है। लोबिंदा की पार्टी भी नहीं सुनी जा रही है, अपने सदन के अंदर सुना क्या कुछ हुआ, उन्होंने बाहर आकर के साथ अपने आंसू बहाए, आपको याद होगा पुराने पिछले बजट सत्र के दौरान। इसलिए हमने बात बोला कि सदन में अगर जो है ना आदमी सो रहा है, सदन में बात नहीं हो रहा है, तो ये सड़कों पर आंदोलन होना चाहिए और सड़क में आंदोलन करके सरकार को मजबूर करना पड़ेगा और हम लोग जो है दशा दिशा को बदलना पड़ेगा। तो आपने सुना, ये पूर्व विधायक जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड की जो बुनियादी समस्याएं हैं अब उसके निराकरण का वक्त और समय आ गया है। वर्तमान में झारखंड की सरकार को लीड करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत हद तक जिम्मेदार है और मैक्सिमम जिम्मेदारी उन्हीं पर बनती है क्योंकि सरकार को वो लीड कर रही है। बावजूद इसके झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों या यूँ कहेंगे झारखंडियों की अगर बुनियादी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है तो सरकार जिम्मेदार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि लोबिन हेमरम की शक्ल में एक वाहिद झारखंड में ऐसे बचे हैं जो आदिवासियों की मूलवासियों के हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।